नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एंटरटेनमेंट शो बॉलीवुड गपशप में। और बात सबसे पहले विनी अरोड़ा की करेंगे। लाल इश्क, लाडो और उड़ान जैसे पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रही विनी अरोड़ा कुछ सालों से छोटे पर्दे से दूर है। 31 साल की एक्ट्रेस ने पिछले साल एक बेटे को जन्म दिया था। इन दिनों वो अपने पति और इसी के साथ ही एक्टर धीरज धूपर और बेटे जैन धूपर के साथ गोवा में वेकेशन मना रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली विनी अरोड़ा ने अपना एक कोलाज शेयर किया है। दोनों में ही वो पिंक कलर की बिकनी में नजर आ रही है। उन्होंने डिलीवरी से पहले और बाद की तस्वीरों को एक कोलाज में शेयर किया है। एक तरफ वो बिकनी पहनकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने बेटे जैन को गोद में लिया हुआ है। विनी ने फोटो कोलाज शेयर करते हुए कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, आपको बता दें कि रात कितनी तेजी से बदलती है, आपको बता दें कि कुंडली भाग्य के पुराने करण लूथरा उर्फ धीरज कपूर ने साल 2016 में विनी से शादी की थी। शादी से पहले कपल ने एक दूसरे को करीब 7 साल तक डेट किया था और अगस्त 2022 में धीरज और विनी पहली बार पेरेंट्स बने थे। कुंडली भाग में 5 सालों तक करण लूथरा ने, आपको बता दें कि वो काम कर चुके हैं। धीरज को आखिरी बार शेरदिल शेरगिल में देखा गया था, वो झलक दिखलाजा में भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा धीरज ने बहने कुछ तो लोग कहेंगे ससुराल सिमर का जैसे शोज में काम किया है। फिलहाल वो गोवा में फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं और फैंस के साथ फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। चलिए बात अब सानिया मिर्जा की करेंगे। पूर्व टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हाल ही में अपनी फैमिली के साथ मदीना पहुंची, जहां से प्लेयर ने अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। बुर्का पहने प्लेयर की ये तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं। दरअसल रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, कई सेलेब्स पवित्र स्थलों के दर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सानिया मिर्जा भी मदीना पहुंची। हाल ही में आपको बता दें कि टेनिस जगत से अलविदा कह चुकी सानिया मिर्जा अपने बेटे और परिवार के साथ मदीना पहुंची। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदीना से कई तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में सानिया मिर्जा को ब्लैक कलर का बुर्का पहने देखा गया है और इस दौरान उन्होंने कोई मेकअप भी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ चश्मे से लुक पूरा किया था। सानिया मिर्जा को बेटे इजहान मिर्जा, इसी के साथ ही बहन अनम और माता पिता के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कैमरे के लिए पोज देते हुए देखा गया। सानिया मिर्जा ने फैमिली संग मदीना से तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। बता दें कि हाल ही में सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास ले लिया था। उन्होंने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेला था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सलमान खान की करेंगे। सलमान खान को हाल ही में जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद सलमान के ऑफिस में एक धमकी भरा ईमेल भी भेजा गया था। इन धमकियों को देखते हुए पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा भी काफी टाइट कर दी थी। वही पुलिस धमकी भरे ईमेल मामले की भी जांच कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। जी हां, दरअसल पुलिस को सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे ईमेल का यूके से लिंक मिला है। हालांकि जो ईमेल के जरिए सलमान को मेल भेजा गया था उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस को पता चला है कि धमकी भरा मेल यूके में एक मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। वहीं अब पुलिस इस डेवलपमेंट के बाद उस शख्स का पता लगा रही है जिसके नाम पर फोन नंबर रजिस्टर्ड है। इन सब के बीच सोमवार को खबर आई थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ और इसी के साथ ही रोहित बराड़ के खिलाफ सुपरस्टार को ईमेल के जरिए धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 506(2), 120(b) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इन सब के बाद मुंबई में सलमान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं फैंस को भी सलमान के घर के सामने भीड़ न लगाने के लिए कहा गया है। जानवी कपूर ने हाल ही में साउथ सिनेमा में डेब्यू की खबर का ऐलान कर फैंस को खुश कर दिया था। जूनियर एनटीआर के साथ वो फिल्म एनटीआर 30 में नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस के साथ साथ उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। एनटीआर 30 की जानवी कपूर ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। जी हाँ, सेट से एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटो शेयर की है जिसमें वो ग्रीन साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। तो वही फोटो में उन्होंने, आपको बता दें कि क्लैप बोट की फोटो साझा की है। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एनटीआर 30 के शूटिंग के दौरान की फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज के साथ उन्होंने लिखा है, शुभ दिन, सबसे खास सफर की शुरुआत, #NTR30। बता दें कि जानवी कपूर ने कुछ दिन पहले इस फिल्म से लुक शेयर किया था। इसके साथ ही ये भी बताया था कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है।
जूनियर एनटीआर के साथ फिल्मी पर्दे पर काम करने का जाह्नवी का ये सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है। दरअसल जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जूनियर एनटीआर उनके पसंदीदा हीरो हैं और उनके साथ काम करने का मौका वो कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। तभी से ही हर किसी के कान खड़े हो गए थे कि जाह्नवी जल्दी ही साउथ की फिल्मों में कदम रखने जा रही हैं और फाइनली ऐसा होने भी जा रहा है। बता दें कि आखिरी बार जाह्नवी कपूर ने 2022 में फिल्म मिली में वो नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। तो वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एनटीआर 30 के अलावा वो बवाल और इसी के साथ ही मिस्टर एंड मिसेस माही में भी नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात टाइगर 3 की करेंगे। जब से फैंस को पता चला है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान खास रोल में है, तब से ही लोग अपने पसंदीदा स्टार्स के सीन और सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए बेताब है। सलमान के साथ उनके खास एक्शन सीन्स के लिए मुंबई के यशराज स्टूडियो में सेट बनाने का काम जोरों से चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि दोनों खान अगले महीने फिल्म के स्पेशल सीन शूट करने वाले हैं। दरअसल मायानगरी के अंदर इस बार एक नई खबर फैल रही है, वो ये कि सलमान और शाहरुख टाइगर 3 में कैसे नजर आएंगे, इसकी जानकारी भी अब लीक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म में शाहरुख और इसी के साथ ही सलमान के साथ जेल से भागने का सीन रखा है। कहानी में टाइगर को जेल से भागना पड़ता है, पठान वहां अपने दोस्त की मदद के लिए हाजिर होंगे। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस खास सीन में लोकप्रिय भारतीय जिम्नास्ट भी नजर आने वाले हैं। जेल में उनका किरदार विलन का है, उनसे लड़कर भागे शाहरुख और सलमान एक साथ नजर आने वाले हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पठान की तरह टाइगर 3 में भी कैमियो किरदारों को अहमियत दी गई है। दरअसल सलमान फिल्म पठान के एक अहम सीन में नजर आए थे और नतीजतन फिल्म दर्शकों के लिए और ज्यादा एंटरटेनिंग बन चुकी थी। और अब इसी को देखते हुए मेकर्स बड़े पैमाने पर सलमान की फिल्म में शाहरुख की मौजूदगी चाहते हैं। बता दें कि फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। सलमान खान फिल्म में टाइगर के रूप में वापसी कर रहे हैं, तो वहीं जोया के रूप में कैटरीना कैफ नजर आएंगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी विलन का किरदार निभाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात परिणीति चोपड़ा की करेंगे। राजनीति और बॉलीवुड का संबंध नया नहीं है। अक्सर राजनीति और बॉलीवुड से दिल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम दरअसल ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि राजनीति और बॉलीवुड के गलियारे से एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल मायानगरी मुंबई में बीती शाम बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा संग स्पॉट किया गया। दोनों को इस कदर कैमरे में स्पॉट होने के बाद लोग कई तरह के कयास लगाने लगे हैं। बता दें कि दोनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था जहां दोनों एक साथ कूल लुक में नजर आ रहे थे। दोनों को ही बीती शाम व्हाइट शर्ट में देखा गया। अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या परिणीति और राघव एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस पर कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात जाननी जरूरी है कि मौजूदा साल के जनवरी महीने में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑनर्स के सम्मान से एक साथ नवाजा गया था। भारत में पहली बार किसी को यह सम्मान मिला था। आपको ये भी बता दें कि आज से 15 साल पहले परिणीति चोपड़ा ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं। वहीं राघव चड्ढा की अगर बात करें तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर चुके हैं। परिणीति और राघव दोनों ही पढ़ाई में होशियार रहे और अपनी क्लास के टॉपर भी रहे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की आपस में बनती हो। परिणीति आपको बता दें कि सिंगल है और राघव चड्ढा की अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा ने भी 34 साल की उम्र तक शादी नहीं रचाई है। हालांकि अब उनके बीच कुछ पक भी रहा है, तो लोगों का यही कहना है कि उन्हें अपने रिश्ते को लेकर लोगों के सामने आना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात फिल्म कांतारा 2 की करेंगे। ऋषभ शेट्टी के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अभिनेता फिल्म निर्माता ने अपनी सुपरहिट फिल्म कांतारा के प्रीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, उगादी के मौके पर हुम्बले फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि कांतारा के दूसरे पार्ट की स्क्रिप्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब इस फिल्म ने आपको बता दें कि इस खबर ने फैंस को काफी खुश भी कर दिया है और वो कांतारा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ने पोस्ट शेयर करने के साथ लिखा कि उगादी और नए साल के इस शुभ अवसर पर हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हैशटैग कांतारा के दूसरे भाग की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है। हम आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते जो नेचर के साथ हमारे संबंधों को दर्शाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें। इस ट्वीट पर अब लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं।
एक यूजर ने लिखा कि इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार है। दूसरे यूजर ने लिखा कि एक और मास्टरपीस जल्द आने वाला है। इसके अलावा बहुत से लोग इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म कांतारा 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म में शेट्टी के साथ सप्तमी गौड़, इसी के साथ ही किशोर, अत्युज कुमार और इसी के साथ ही प्रमोद शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी जिसे आलोचकों और सिने दर्शकों ने जमकर प्यार दिया। बता दें कि कांतारा ने नए रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और पैन इंडिया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई थी। हाल ही में कांतारा को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र फिल्म की स्क्रीनिंग का दुर्लभ सम्मान मिला था। चलिए बात अब प्रिया बनर्जी की करेंगे। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज राणा नायडू में मंदरा का रोल करने वाली प्रिया बनर्जी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी काफी ग्लैमरस और खूबसूरत है। राणा नायडू में मंदरा के रोल में नजर आने वाली प्रिया बनर्जी इससे पहले भी कई शो में ग्लैमरस अवतार में नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने ऑल्ट बालाजी की बेकाबू सीरीज से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस सीरीज में भी प्रिया ने जमकर बोल्ड सीन्स दिए थे। प्रिया बनर्जी वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखती है और उनके पिता एक बिजनेसमैन है। कनाडा से पढ़ाई करने के बाद प्रिया ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साउथ की फिल्म किस से एक्टिंग में डेब्यू किया था। प्रिया ऐश्वर्या राय से लेकर इरफान खान और शबाना आजमी जैसे बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स के साथ भी काम कर चुकी है। प्रिया बनर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती है और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ाए रहती है। प्रिया बनर्जी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो उनकी हर तस्वीर को काफी लाइक करते हैं। प्रिया कपूर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि वेब सीरीज से ओटीटी पर उन्होंने डेब्यू किया था। प्रिया ट्विस्टेड 2 और इसी के साथ ही भंवर जैसी सीरीज में भी नजर आ चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धाक जमाने के बाद अब प्रिया बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए जी जान से जुट चुकी है। प्रिया बनर्जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर के प्यार में है। हाल ही में प्रतीक बब्बर ने प्रिया बनर्जी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। और इसी के साथ ही हमारे इस खास एंटरटेनमेंट शो बॉलीवुड गपशप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।